अनुराग बेटा, ये सही मौका है, निकल ले। ओ भाई सो जा रहा, हमें भी सोने दे, भागने का कोई चांस नहीं है। अरे मैं भाग थोड़ी ना रहा था, मैं तो बस ऐसे ही नाइट एक्सरसाइज कर रहा था। रागिनी जी संभालिए। आप इतनी रात में, हमारा मतलब है कि आप कुछ चाहिए क्या आपको? जी आपका साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दादी ने बोला था जाके बाथरूम में नहा लो, तो नहाने हम आए थे यहाँ पे बस। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारा घर है, हम कहीं पर भी जाएं, हमें क्या पता था तुम यहाँ पर होगे। हम अपनी गलती मानते, गलती हमारी है, ठीक है। मैडम जी आप तो जाइए यहाँ से प्लीज। अरे आप मैडम। हम ठीक है, हम जा रहे हैं। हाल क्या हुआ? ओम पवित्र पवित्रो सर्वगतास्मरे दीपुंडारे काक्ष शाभ्याम तरह शुचि। सृष्टि बेटा, हमने मंदिर के पास पूजा के लिए कलश रखा है, जरा वो ले आना। जी ये विशु जी का कपड़ा है, तुमने क्यों पहना है? अरे मैडम, बोरिया, ये कपड़ा हमने दिया है बैजी को। देखिए ऐसा है कि अगर हमको पहन के ऐसा लगा ना कि कुछ गड़बड़ है, अभी प्रॉब्लम है, तो बोलिए हम जगह बदल के आ जाते हैं। रुको, बोरिया, ये कपड़ा विशु का है, कपड़े में विशु नहीं है। लेकिन दादी, अगर तुमको बुरा लगा है तो हम उसको दूसरा कपड़ा दे देते हैं। प्रिया, तुम ऐसे कुछ सोच के अपना दिमाग मत खराब करो, वैसे भी अब बैजू घरे का सदस्य है। नहीं दुलारी दीदी, ये इस घर का सदस्य है कभी भी। बेटा वो पूजा का समय निकल रहा है, आओ बैठो ना। कोई बात नहीं दादी, रहने दीजिए।
ये लीजिए विद्वान जी और रेवती जी। जी पंडित जी, आप दोनों लोग संयुक्त रूप से ये जल अपने घर के सभी कोनों में इसका छिड़काव कर दीजिए। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी और लक्ष्मी का वास होगा और घर भी पवित्र हो जाएगा। जी ठीक, चलिए पंडित जी। बड़की, लगता है पैर में ना मोच जैसा आ गया है। अरे बुआ, हमको लगता है ना कि तुमको मोच आ गया है। ऐसे में तुम कैसे पूरा घर में जल का छिड़काव करोगी? पंडित जी तक आए हैं कि सुख शांति के लिए करना जरूरी है। हम कर लेंगे। रुको, आराम से उठना। हमसे तो पैर भी नहीं रखा जा रहा है, चल ही नहीं पा रहे हैं। कोनो बात नहीं श्रीमती जी, आप परेशान मत होइए, आप यहीं बैठिए, हम अकेले ही पूरा घर में गंगा जल छिड़क देते हैं, ठीक है? नहीं यजमान, पति पत्नी को एक साथ घर के शुद्धिकरण करने का विधान है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पूजा सफल नहीं हो पाएगी। पंडित जी, लेकिन अब ये सब कैसे हो पाएगा? बेटा देखो, शायद कुछ हो जाए। माँ एक एक मिनट बैठ, दिखाइए। बहुत दर्द हो रहा। दुलारी जी, जरा बिठा दीजिए इनको इसमें। बैठा दीजिए का काम मत बोला है, इस पर बैठने से कहाँ होगा? फुआ, तुम्हारे गोल में चोट ना लगल है। पंडित जी का कहना है कि घर में सुख शांति के लिए इस घर के कोना कोना में गंगा जल का छिड़काव होना बहुत जरूरी है। अब तुम ऐसे में कैसे करोगी? आई तराजू बैजू भैया अपना कंधा पर उठाएंगे ताकि तुम घर में हर कोना में गंगा जल का छिड़काव कर सको। अरे बेटा, पर ये सब अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस खाली दोनों पल्ला में बैठ जाइए, उसके बाद हम घर कोने कोने में लेकर जाएंगे, आप अपना जल छिड़क देंगे। इतना वजन है, उठा पाओगे? नहीं गिरा उड़ा दिए तो? अरे हम उठा लेंगे, बहुत ताकत है हमारे अंदर। आप लोग बस आके बैठ जाइए, इस पूजा में कोई रुकावट आने नहीं देंगे हम। आइए बैठिए, संभाल के संभाल के बगल में बैठ जाइए। आइए देखिए कैसे मुटाते। हरिओम।
नाते घर में सतयुग आ गया है। अम्मा एक बात कहें, जो काम आज बैजू कर रहा है ना, उसको देख के हमें वो कहानी याद आ गया जो बचपन में हमको आप सुनाते थे, वो श्रवण कुमार वाला। वो भी तो ऐसे ही कंधे पे अपने माता पिता को लेकर तीर्थ का यात्रा करवाए थे। बैजू बहुत पुण्य का काम कर रहा है, भगवान इसका भला करे। बात है, अब लग रहा है कुछ तो। वैसे अब हुआ है ना मामला एकदम सेट। अरे कभी तो कुछ बोल दिया करो। मत बोला करो यार, चुप रहा करो। हाँ कुछ मत बोलो। अरे हीरालाल दिखाओ दिखाओ, ये फूल ठीक है ना? एकदम ताजा, क्वालिटी अच्छी है ना? कहाँ लगाने जा रहे हो इनको? गलियारे के मैया। कॉरिडोर में जाओ, अच्छे से दबा के तोरण बनाओ, फूल लगाओ। जाओ 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 जी भैया, कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। जाओ जाओ जल्दी। ओह शिट, आई एम सो सॉरी हीरालाल, अब मुझसे गलती से फूल गिर गए, अब मैं मदद कर। अरे यार फूल गिर गए, कुछ मदद तो कर दो। अरे मेरे बाप, तुम लोग क्या गधे की तरह खड़े रहते हो? अरे कभी कुछ काम भी कर लिया करो यार। चलो फूल उठाओ। अरे फूल उठाओ, जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है, अगर उसको पता लगा कि उसकी एंगेजमेंट के फूल तुमने गिरा के खराब कर दिए, तुम सबकी कोर्ट मार्शल करा देगी, बता रहा हूँ। चलो उठाओ, मदद करो जल्दी यार, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी उठाओ, फूल उठाओ। रखवाली कर रहे थे वो कहाँ है? वो यही है ठाकुर साहब। कहाँ गया? यही तो था अभी। जाके ढूंढो उसको, और अगर नहीं मिला ना तो हम तुम लोगों को ऐसा गायब करेंगे ये भी पता नहीं लगेगा कि तुम्हारा कभी वजूद था भी। चलो ए बंदूक है तुम्हारे पास? चलो सीधा ऊपर हमारा बेटा जी का कमरा के पास बैठे जाओ। चलो अब तुम देख कर रहे हो, देखे निकलो इसको। अनुराग सिंह, तुम चाहे जितना भी भागा दौड़ी कर लो, तुम तो कहा तुम्हारा आत्मा भी हमारा बेटा जी तक पहुंच नहीं पाएगा। ससुर जी, आप जितना पहरा लगाना चाहे ना लगा लीजिए, लेकिन मैं अपनी रागिनी के कमरे तक भी पहुंच जाऊंगा और उसके दिल तक भी, लेकिन आपको कानों का खबर नहीं होगी। ये लीजिए माँ, हल्दी वाला दूध। और आने धीरे से करना है, बहुत दर्द हो रहा है।
अम्मा जी, आज एक पल को तो ऐसा लगा कि बैजू के रूप में हमारा बिसु लौट आया हो। एकदम में ठीक कर रही हूँ बुआ, अपने बिसु बाबू का स्वभाव भी ना एकदम में मिश्री जैसा मीठा था। बैजू भैया तीखा है या अचार जैसा तीखा, बाकी दिल से ना दोनों एकदम में भोला भंडारी है। आज हमको सच में बिसु बाबू का बहुत याद आ रहा, हमको तो लगा जैसे बिसु के बाबू है। तुम एकदम सही कह रही हो दुलारी, हमको भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। आई प्याई दूध ले लो, हमसे नहीं पिया जाता। अल्लाह ही हमको दीजिए, छोड़िए। बताइए कहाँ? हाँ, कोई बात नहीं, एक मिनट, इधर देखिए, इधर दर्द हो रहा है। हाँ, तो प्रॉब्लम समझ में आ गया हमको। ये प्रॉब्लम ऐसा है, इधर देखिए आप, ऐसे देखिएगा और इधर ये, हाँ ठीक हो गया ना, देखिए हिला के देखिए। अब लाइए, बस हम आपको लाके पट्टी कर देते हैं, तो आप ठीक हो जाएंगी। ऐसा है बेटा, रहना तो है, तुम काहे तकलीफ ले रहे हो, दुलरिया कर देगी है। हम कर देते हैं ना, ऐसा बचपन से हमको बहुत चोट लगा है, बहुत चोट लगा है, और हम कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं थे। बचपन में गरीब थे, कहाँ पैसा होता था हमारे पास डॉक्टर का, तो खुद से ही हम सीख गए सारा उपचार करना, खुद ही समझे। बहुत टाइट तो नहीं हुआ ना? नहीं, एकदम सही है। बिटवा, तुम्हारे लिए हमारे दिल से बहुत ही दुआ निकलता है। हम जब जब तुमको देखते ना, तो हमको अपना विशु याद आ जाता है। और आज तो तुमने बिल्कुल उसके जैसा ही काम किया है। बेटा, तुम्हारे एहसान है हम सब पर बहुत। दादी, ऐसा है ना कि अपना एहसान आप अपने पास ही रखिए। हाँ, एक तरफ तो आप प्रेम देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, अपना बेटा कहती हैं, और दूसरे पल हमको एहसान का नाम लेके हमको पराया कर देती। इससे अच्छा तो आप हमको ना घर का गार्ड बुलाइए, ठीक है? अरे देखो, इसका गुस्सा भी ना बिल्कुल विशु जैसा ही है ना? एकदम मैं ठीक कर रहा है बुआ की अम्मा। अब बिसु बाबू के तो खिसियाने में इतना प्यार था ना, कि उनके खिसियाने पर भी प्यार आता था। अब बैजू भैया जो किए ना, वो कोनो बॉडी गार्ड नहीं करता है, घर का बेटे करता है, एकदम बिसु बाबू जैसा। बस कीजिए दुलारी दीदी, इस आदमी ने जो कुछ भी किया है उसे इंसानियत कहते हैं, और उसके लिए हम इसका धन्यवाद करते हैं। ये सब करने से कोई घर का बेटा नहीं बन जाता। ये यहां पर हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि खुद की रक्षा कर पाए। तो प्लीज, ये जिस काम के लिए आया है इसे वो काम करने दीजिए। रिश्तेदारी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर के केवल दो बेटे हैं, अनुराग जी और विशु जी। और विशु जी हमारे बीच नहीं, बताओ कि तुम कैसी हो। हम अपना जिंदगी में इतना उलझ गए कि तुम्हें भूल ही गए। किस्मत कहो या तकदीर कहो या वक्त, हम दोनों की जिंदगी अचानक से उलझ गई। पर हमें यह भी लगता है कि अगर वक्त ने हमारी जिंदगी को उलझाया है, तो सुलझाएगा भी उसे वक्त ही। अतीत के जिस उलझन की तुम बात कर रहे हो ना,
वो हमारे आज पर हावी हो रहा है। हमें खुद को नियति के हवाले कर देना चाहिए। नियति ने हमारे लिए जो भी चुना है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सर तुम सही कह रही हो सिस्टी, हमारी नदी को बांध का नहीं बहाव का जरूरत है।